नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की खास खबरों पर। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। हिमाचल में अभी कोरोना रिकवरी रेट 97.61%, आज 150 ठीक। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 29 मामले सामने आए, वहीं 150 ठीक हुए। कांगड़ा जिले में एक ने दम तोड़ा। हिमाचल में कुल आंकड़ा 202,584 पहुंच गया। अभी 1,323 एक्टिव केस हैं। अब तक 197,762 ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 3,467 है। हिमाचल में अभी कोरोना रिकवरी रेट 97.61% है। कोरोना डेथ का रेट 1.71% पर अटका हुआ है। शिमला में 12, मंडी में 8, चंबा व कुल्लू में 3, बिलासपुर में 2, कांगड़ा में अब तक एक मामला है। चंबा के 42, कुल्लू के 25, ऊना के 16, कांगड़ा के 15, हमीरपुर मंडी व शिमला के 12, सिरमौर के 9, सोलन के 4 व किन्नौर के 3 ठीक हुए हैं। कांग्रेस नेता एक दूसरे की जड़ें काटने में लगे, उपचुनाव पर जयराम ने कही बड़ी बात। हिमाचल ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस बिखराव के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस के कई नेता हैं जो कि एक दूसरे की जड़ें काटने में लगे हैं। आगे भी कांग्रेस का यही हाल रहने वाला है। ये बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत के लिए बिलासपुर पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने कही। जयराम ठाकुर ने परिधि गृह में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार का 3.5 वर्ष का कार्यकाल कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कठिन दौर के बावजूद शानदार रहा। जयराम ठाकुर ने कहा कि मैं देश का पहला सीएम हूं जिसका अधिकतर कार्यकाल कोविड में गुजरा, फिर भी हम हिमाचल को कोविड के संकट से बाहर निकालते हुए देख रहे हैं और साथ ही अब कोविड का कहर भी कम होता जा रहा है। एचपीयू छात्र प्रमोद जमान, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की ओर से किया गया यज्ञ का आयोजन। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस एचपीयू छात्रों के ऑनलाइन एग्जाम और प्रमोशन को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। हिमाचल में करीब करीब हर जिला मुख्यालय में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल को हिमाचल कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और पूर्व सीएम जीएस बाली का समर्थन मिल चुका है। इस बीच 1 जुलाई से एचपीयू के फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, तो अब मांगे पूरी न होते देख एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की ओर से आज सीएम जयराम सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की ओर से आज प्रदेश भर में ये सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। छात्र संगठनों की मांग है कि या तो ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जाएं या फिर उन्हें प्रमोट किया जाए। हिमाचल में 10 जुलाई तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में 10 जुलाई तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में 7 और 8 जुलाई के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। उधर रविवार शाम को राजधानी शिमला में हल्की बारिश के बाद तापमान में गिरावट आ गई, जबकि दिनभर शहर के बाजार पर्यटकों से गुलजार रहे। रविवार को शिमला का न्यूनतम तापमान 17.2, सुंदरनगर 21.5, भुंतर 19.5, कल्पा 11.8, धर्मशाला 22.4, ऊना 26.6, नाहन 25.7, लांग 7.5, कांगड़ा 22.2, मंडी 19.0, बिलासपुर 24.0, हमीरपुर 24.4 और कुफरी में 14.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बंदूक साफ करते छाती में लगी गोली, फौजी युवक ने तोड़ा दम। बंदूक की गोली छाती पर लगने से मामा के घर आए एक युवक की मौत हो गई। युवक मामा की बंदूक की साफ सफाई कर रहा था, इसी बीच अचानक गोली चल पड़ी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। गोली लगने के बाद युवक को घायल अवस्था में पहले बैजनाथ अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत के चलते परिजन उसे MHU ले गए। वहां पर युवक ने दम तोड़ दिया, युवक फौज में था। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह बोले, कोरोना काल में मास्टर्स ने तो बहुत ही मजे किए, फ्रंटलाइन वर्कर बन गए कि पहले वैक्सीन लगे। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कोरोना के बीच सेवाएं देने वाले मास्टर्स की खिल्ली उड़ाई है। जल शक्ति मंत्री ने शनिवार को बंजार में हुई जनसभा के दौरान कहा कि जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों ने काम किया, अन्यों ने तो मजे ही लिए। इस दौरान मास्टर्स ने बहुत ज्यादा मजे किए, फिर फ्रंटलाइन वर्कर बन गए कि उनको सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाए। पता नहीं उन्होंने क्या काम किया, ये तो ईश्वर ही जानता है। मंत्री का इसको लेकर एक वीडियो भी वायरल हुआ। चिंतपूर्णी में होटल की 5वीं मंजिल से गिरने पर युवक की गई जान।
हिमाचल के चिंतपूर्णी में होटल की पांचवी मंजिल से गिरने के चलते 27 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान संदीप कुमार निवासी बठरा जसवां परागपुर जिला कांगड़ा के रूप में हुई। संदीप कुमार चिंतपूर्णी में एक ढाबे पर काम करता है जो कि साथ लगते होटल की छत पर गया हुआ था, जहां पर पैर फिसलने से नीचे गिर गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। सीएम जयराम बोले, उपचुनाव के लिए अभी नहीं चुने चेहरे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी ने चेहरे नहीं चुने हैं। उन्होंने कहा कि कुल्लू में होने वाली बैठक में उपचुनाव पर चर्चा होगी। चुनाव की तारीख तय होने के बाद चेहरों की घोषणा की जाएगी। भाजपा दोनों विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर जीतकर सत्ता में आएगी। 2022 में भी भाजपा सत्ता में रिपीट करेगी। सीएम ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में भाजपा पूरे देश में मजबूत होकर आगे बढ़ रही है। प्रदेश के शक्तिपीठों में बढ़ने लगा श्रद्धालुओं का सैलाब, कोरोना को भूले लो। सरकार ने कोरोना बंदिशों में छूट देते हुए प्रदेश के धार्मिक स्थलों को भक्तों के लिए खोल दिया, लेकिन लोगों को याद रखना होगा कि कोरोना अभी गया नहीं है। हालांकि कई मंदिरों में कोविड नियमों की अनदेखी कर खूब भीड़ जुट रही है। इसी कड़ी में विश्वविख्यात शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए रविवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो कोई यहां मेला लगा हो। उधर जिला कांगड़ा स्थित मां बगलामुखी के दर पर भी भारी संख्या में लोग माथा टेकने मंदिर पहुंचे। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत भक्तों को मां बगलामुखी के दर्शन के लिए मंदिर में भेजा जा रहा है। तहसील तो बना दी पर न तहसीलदार न नायब तहसीलदार, कुछ तो करो सरकार। मंडी शहर के साथ लगती कोटली तहसील में तहसीलदार और नायब तहसीलदार न होने से राजस्व संबंधी कार्य के लिए लोग इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। वहीं कई पटवार सर्कल में पटवारी व कानून गो न होने से लोगों को कई परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। इसी मुद्दे को लेकर एक्स सर्विसमैन लीग का एक प्रतिनिधि मंडल ADC मंडी जतिन लाल से मिला और प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन प्रेषित कर इन सब रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग उठाई। हिमाचल को मिले 787 करोड़, 111 नए प्री प्राइमरी स्कूल खुलेंगे। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल्स के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 787 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया। इस बजट के तहत प्रदेश में 350 नए स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। 97 और स्कूल्स में वोकेशनल शिक्षा शुरू होगी। 111 नए प्री प्राइमरी स्कूल्स खोले जाएंगे। विद्यार्थियों की अंग्रेजी सुधारने के लिए लैंग्वेज लैब बनाई जाएगी। 25 जुलाई को होगी सेना भर्ती की लिखित परीक्षा। सेना भर्ती की लिखित परीक्षा 25 जुलाई को राजकीय वल्लभ कॉलेज मंडी में होगी। भर्ती निदेशक कर्नल एम राजा राजन ने कहा कि जिन उम्मीदवारों को 30 मई और 27 जून की लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, वे उम्मीदवार एडमिट कार्ड के साथ ARO मंडी में दिए हुए RMDS की समय सारणी के अनुसार रिपोर्ट करें। 7 जून को RMDS नंबर 1000 से 1617, 8 जून को 1618 से 2229, 9 जून को 2230 से 2953 और 10 जून को 2954 से 3657 तक के उम्मीदवार पुराने एडमिट कार्ड जमा करवाकर परीक्षा के लिए नए एडमिट कार्ड प्राप्त करें। शिक्षकों की दो टूक, मंत्री महेंद्र ठाकुर मांगे माफी, नहीं तो होगा आंदोलन। हिमाचल के कुल्लू जिले के बंजार में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के टिप्पणी के खिलाफ शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। शिक्षकों ने मांग की है कि अपनी टिप्पणी पर मंत्री माफी मांगे, नहीं तो शिक्षक वर्ग आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेगा। बता दें कि जल शक्ति मंत्री अधिकारियों और कर्मचारियों को खुलेआम लताड़ लगाने को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, पर इस बार मंत्री द्वारा दिए गए बयान को लेकर शिक्षकों ने उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। कार्यक्रम के मंच से अध्यापक पर टिप्पणी करने से शिक्षा विभाग के चारों संघ एकजुट हो गए हैं। VIP की अगवानी के लिए जाने से पहले जान ले ये खबर। कुल्लू में गत विगत दिवस हुई घटना से सबक लेते हुए पुलिस प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है। इसके अनुसार किसी भी VIP का हेलीकॉप्टर हवा में या लैंड नहीं होता है तब कोई भी व्यक्ति लैंडिंग साइट की ओर नहीं जाएगा। अक्सर ये देखा गया है कि कई बार VIP विजिट के दौरान लोग लैंडिंग साइट की ओर भागते हैं जबकि हेलीकॉप्टर हवा में होता है। तो ये थे हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़े हुए आज के ताज़ा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे।